हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस अनलॉक 4 के बाद में हमें कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरतना है और किस तरह से हमारा आगे का जो लाइफ है, जैसे ये अनलॉक बढ़ता जाएगा, क्योंकि अनलॉक बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 1 लाख केस आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, प्लस हॉस्पिटल बेड्स कम पड़ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें जांच कराना है, जांच कराने के बाद हमें क्या सावधानी रखना है और किस तरह से हम और इस कोरोना से निकल पाएंगे, जीत पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग नाउ। सबसे पहला पॉइंट आता है सैंपलिंग का, कि हमें सैंपल कब देना है। तो ये बात लगभग आप सभी लोग जानते हैं। कोरोना के लक्षण मैं आपको बताऊंगा तो कोई नई बात नहीं होगी। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, तीनों में से कोई भी लक्षण है, खास करके अगर बुखार है जो 100 डिग्री के ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको तुरंत जाकर जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके पास रैंडम सैंपलिंग के लिए लोग, डॉक्टर्स या टीम्स नहीं आने वाली हैं। गवर्नमेंट ने फीवर क्लिनिक खोल दिए हैं। अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप लोग सबसे पहले जाएं और अगर सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और बुखार में से कोई भी लक्षण है तो तुरंत जाकर अपनी कोविड की जांच कराएं। अभी एमपी गवर्नमेंट ने लगभग सभी दूर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स आ गए हैं और जो लगभग 30 मिनट में रिपोर्ट्स देते हैं। तो आपका सबसे पहला काम और यही होना चाहिए कि तुरंत जाएं और जांच कराएं। अगर इसमें अभी हमारे पास 2 तरह की टेस्ट किट्स हैं, तो रैपिड एंटीजन भी है, प्लस इसके अलावा जो RT-PCR के थ्रू जांचें हो रही हैं वो भी अभी किट्स अवेलेबल हैं। तो यदि आपके वहाँ लोकल एरिया में रैपिड एंटीजन है तो रैपिड एंटीजन करवा लें, आपको 30 मिनट में रिपोर्ट्स पता चल जाएंगी, नहीं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो अब इंदौर से भी रिपोर्ट्स आने लगी हैं। सो अब आपको जो दूसरा बात ये ध्यान रखनी है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है तब तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान हो जाएगा। पॉजिटिव हैं तो आप आइसोलेशन सेंटर भेज देंगे या आप तो होम क्वारंटाइन स्टार्ट हो गया है तो यू विल बी होम क्वारंटाइन। अगर आपको नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आपका सैंपल बाहर गया है, कहीं इंदौर गया है या भोपाल गया है या कहीं भी बाहर सेंटर पे गया है, 2-3 दिन में रिपोर्ट आने वाली है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने परिवार को सेफ करना है, समाज को सेफ करना है, सारे काम धंधे 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, घर में कहीं जाके आइसोलेट हो जाइए ताकि बाकी परिवार के सदस्य बच सकें, हमारे बूढ़े और हमारे बच्चे उस बीमारी से बच सकें। ये हम इस मामले में बड़ी लापरवाही देख रहे हैं कि परिवार में अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो बाकी लोग आराम से घूम रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कंटेनमेंट एरिया का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया की बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतना है। यदि आपके परिवार में कोई भी पॉजिटिव है तो आपको बाजार में नहीं घूमना है, काम नहीं करना है, बिकॉज अगर उसको लक्षण आए हैं और वो पॉजिटिव है आपके फैमिली का कोई भी मेंबर, तो इसका मतलब ये है कि आप तो चूंकि उसके फर्स्ट कॉन्टैक्ट में हैं, तो हो सकता है अभी कोई लक्षण ना हो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन में भी लक्षण आए, तो उससे हमको बचाने के लिए, समाज को, परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव परिवार हैं, कंटेनमेंट एरिया के लोग हैं, वो लोग अपने घर में ही रहें, बिल्कुल बाजार में नहीं निकलें। तो अगर घर में कोई पॉजिटिव आया है या कोई अपने परिवार में पॉजिटिव है, जो लोग साथ में रह रहे हैं, उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि अगले 14 दिन आप लोगों को किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है और बहुत सावधानी रखते हुए अगर वो जो कोरोना पेशेंट है वो अगर होम क्वारंटाइन किया है, यदि आइसोलेशन सेंटर भेज दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर अगर होम क्वारंटाइन किया है तब तो आपको और ज़्यादा सावधानी रखना है। उनको अलग सा उनका कमरा होना चाहिए, उनका फ्रेश होने की जगह लेटरिन बाथरूम अलग होनी चाहिए, और जो आप उनको भोजन दे रहे हैं वो डिस्पोजेबल में दें और वो डिस्पोजेबल को वैसे ही रैप करके और उसको डिस्पोज करना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उसका पूरी तरह से पालन करें, बाहर नहीं निकलें, नहीं तो ये होगा कि आप उस बीमारी को और अगली जगह फैलाकर आएंगे। निश्चित ही ये थोड़ा सा परिवार के लिए, जहाँ भी कोरोना पेशेंट है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय रहता है, मगर हम लोग एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए ताकि ये बीमारी और आगे नहीं फैले
और हम उसको बॉन्ड एक कहीं रोक पाएं वो करें। इसके साथ में एज अ प्रिवेंटिव, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ट्रायल लिया था, तो जो बाकी के मेंबर्स हैं वो होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल 30 सुबह शाम नियमित रूप से लेते रहें, ताकि उस स्प्रेड को हम लोग घर में भी रोक पाएं, जो क्वारंटाइन में घर में परिवार में लोग हैं वो लोग उससे बच पाएं। अभी हम लोगों ने इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने भी यहाँ ट्राई किए हैं और हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, परिवार के बाकी सदस्यों को भी हम लोग इस बीमारी से बचाने में कामयाब हुए हैं। तो हमारी आज की इस टॉपिक की जो समरी है वो यही है कि हमको सबसे पहले तो तुरंत जांच कराना है, जांच कराने के बाद में जब तक रिपोर्ट नहीं आती खुद को आइसोलेट कर लेना है, उसके बाद में अगर पॉजिटिव आए हैं तो खुद आइसोलेशन सेंटर जा सकते हैं या घर में होम क्वारंटाइन होम आइसोलेट हो सकते हैं सबसे अलग। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि उस परिवार का कोई भी सदस्य या उसका जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो अपनी जांच कराए तुरंत, और उसके अलावा अपने आप को अगले कुछ 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन तक समाज से अलग कर ले, आइसोलेट कर ले, और जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें इस तरह से, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कंटिन्यू करें, तो हम लोग डेफिनेटली इस कोरोना से बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है, मगर सावधानियाँ हम रखेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना से जीतेंगे और कोई बड़ी जनहानि होने से रोक पाएंगे।